उम्मीद करता हूँ आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज जस्ट मैं जल्दी उठ गया हूँ, थोड़ा जल्दी नहीं यार 11-12 बजे उठा हूँ आज, क्योंकि रात में लेट सोया था। तो भाई आज धोने में वो अपने कपड़े, क्योंकि मम्मी की हो रही है तबीयत से ख़राब, तो मम्मी कह रही है कि तू खुद धो ले, तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं है, दो ही पैंट धोनी है मेरे को, क्योंकि बिकॉज मेरे को कल कहीं जाना है। तो कल मैं जहाँ जाऊँगा तो आपको पता चल ही जाएगा कल के ब्लॉग में, तो कल का भी ब्लॉग देखना मिस मत करना बिल्कुल भी। तो भाई कपड़े वपड़े तो मैंने धोए नहीं है, ठीक है, मैंने अपना आपको धो लिया है, मतलब कि मैं नहा लिया हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था कपड़े धोने के बाद नहाऊँगा, तो मैं पहले नहा लिया हूँ, तो वो नहा तो लिया ही हूँ, तो अब कपड़े वपड़े सोच रहा हूँ मैं धो लेता हूँ, ठीक है। जस्ट भाई आ गया हूँ मैं कपड़े धोने के लिए, तो जल्दी से धोते हैं फास्ट फास्ट, 1 2 3 लग गया है। अब ब्रश लगाने की बारी है, 1 2 3 कुछ भी हो गया है, तो बस पानी वगैरह डालते हैं जल्दी से और दूसरी पैंट निकालते हैं। तो भाई पहले तो धुल गई, अब बारी दूसरी की है, तो इसे भी निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे करेंगे जो पहली के साथ करा, 1 2 3 तो जस्ट भाई दोनों धुल गई हैं, बस इन्हें साफ पानी में निकाल देते हैं, ठीक है। ये डाल देता हूँ पानी में, ठीक है, पहली तो गई, पहले से धोते हैं अच्छी तरीके से, धुल गए मतलब दोनों पैंटें धुल गई। तो अब चलते हैं सुखाने के लिए ऊपर, और भाई धुलने के बाद तो और भारी हो गई पैंट, गीली हो गई, क्योंकि मेरे से निचोड़ी तो गई नहीं है सही से, क्योंकि यार मैं हाथ वाथ से तो बहुत ही कम धोता हूँ, आज पहली बार ही धोए हाथ से, तो मैंने तो हर बार मतलब वॉशिंग मशीन से ही धोता हूँ मैं, क्योंकि अब के बार कपड़े ज़्यादा थे नहीं, कपड़े थे सिर्फ 2 पैंट है, तो इस चक्कर में मैंने हाथ से धो ली है। मैंने क्या फ़ायदा 2 पैंटों के लिए वॉशिंग मशीन यूज़ करूँगा। भाई ताला तो चलो खुल रहा है, तो चलते हैं सुखाने। भाई पता नहीं साफ धुले हैं गंदे धुले हैं, मेरी तो आवाज़ भी ख़राब हो गई धोते धोते, थक गया मैं। तो सही धुले हैं या गलत धुले हैं कमेंट में बताओ आप सब, कमेंट करके कैसे धुले हैं, अच्छे धुले हैं कैसे मतलब। तो चलते हैं नीचे, उठाओ बाल्टी। कपड़े वगैरह धो दिए हैं और सुखा भी दिए हैं, और कपड़े वगैरह मैं धो लेता हूँ, काम वाम भी कर लेता हूँ, खाना वगैरह भी बना लेता हूँ। कोई लड़की हो तो कमेंट में बताना जल्दी से मेरे लिए अच्छी थी। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े वगैरह धो गया भाई, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा सीरियसली, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने यार बैठा था, मतलब लेटा था, तो यार सो गया मैं, तो अब उठा हूँ जब से, तो चलते हैं बाहर, ठीक है। घर में तो बोर ही हो रहा हूँ मैं भाई, अभी मैं घर से बाहर जा रहा था तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो मम्मी कह रही थी खाना वाना खा ले पहले, फिर उसके बाद चलियो। तो यार खाना वाना खा लेते हैं, फिर शाम को चलेंगे बाहर, बिकॉज अब तो मैं जा ही नहीं रहा बाहर, शाम को चलेंगे। यश के पास मैं कॉल कर लूँगा और देखते हैं कहीं घूमने वूमने चलेंगे, ठीक है। आज बने हैं चावल और इसमें चने की दाल डली हुई है, तो दही वगैरह डाल लेता हूँ यार इसमें जब खाऊँगा। दही भी डाल लिया मैंने इसमें, तो यार सोच रहा हूँ कुछ और भी डाल लूँ, मतलब अचार वगैरह, तो अचार लेके आता हूँ, पहले अचार डालते हैं उसके साथ खाएंगे। अचार भी डाल लिया भाई, ले आया हूँ मैं ये वाला, और खा लेते हैं जल्दी से खाना वगैरह, भूख लग रही है भाई। खाना तो मैंने खा लिया और खाना बना था काफ़ी अच्छा और टेस्टी, तो थोड़ी देर बाद रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं कॉल करता हूँ यश के पास, वो चलेगा नहीं चलेगा देखते हैं। यश के पास कॉल करी थी तो वो कह रहा भाई मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ, मैं आपको रात को मिलूँगा, मतलब शाम के टाइम पर 8-7 बजे करीब, तो फिर चलेंगे। तो ठीक है भाई, उसका इंतज़ार कर लेते हैं पहले, कब आएगा नहीं आएगा। बाकी टाइम भी हो गया, मैं तो बस थोड़ा ऐसे लेट के गाने वाने सुनना था, जस्ट अभी खड़ा हुआ हूँ, उसकी कॉल आई थी तो वो आ चुका है बाहर पर, बाहर आ गया मतलब। तो चलते हैं उसी के पास, और भाई टाइम भी हो गया, 7:30 हो रहे हैं शाम को, अब आया देखो जब से। तो भाई हम आ गए यश भाई के साथ और हम जा रहे हैं B3, तो भाई पार्टी वार्टी देने की सुनने वाली है, पार्टी दे रहे हैं। क्या खिला रहे हो भाई फिर आज? मैं ढोला भाई, लाइट चली गई मतलब इस गली में अंधेरा हो गया ज़्यादा। यश भाई तो नहर भी नहीं आ रहे, यश भाई के कपड़े नहर नहीं आ रहे, कपड़े तो नहर आ रहे हैं पर यश भाई नहर नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, दोबारा एक लाइट आ गई खंबे की, इसका पूरा प्रयोग मतलब फ़ायदा उठाते हुए हैं ब्रो। 16 का डोला, अब 16 का तो तुम पूरे नहीं होंगे अच्छे से, डोले की तो बहुत दूर की बात है। 35-40 किलो का हूँ। ओ भाई 40 किलो वजन है तुम में, उस दिन ही तोला था तुम्हारे, तोला नहीं था। अपनी ग्रेजुएशन बताओ क्या है क्वालिफिकेशन? 12th फेल, 12th पास, 12th फेल। समझ नहीं आ रहा मेरे को, 12th फेल पास
भाई कोई कह सकता है बंदा कहीं से 12th में लगता है, क्योंकि मैं 11वीं के अंदर से चल रहे इधर से, क्योंकि मैं 11वीं के अंदर उस टाइम 11 फिर अंधेरा आ गया भाई। डिग्री पे तो पहुंच चुके हैं और हमारा भाई भी आ गया अमन, इस लड़के को पहली बार देखा होगा तुमने हमारे ब्लॉग में, तो भाई अब क्या खिला रहे हो तुम्हें बताओ जो आपको खिलाएगा। एक मिनट इधर करो खिलाएगा बता पहले एक नंबर जल्दी बता। आदमी है भिक मंगा चोर से बोल भाई नाकारा हरामी और हरामी कुत्ता गैरतमंद इंसान ये ज्यादा हो गया। अरे सारे ना यहाँ बिठा के ना मजे लिपा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं देख रहे हो। अब वो भी भाई भी आ गए हमारे, वो सुअर को तो दिखा दो ओए इस्माइल लुंडे भाई। हम दीवार पे बैठने का कौन सा वो है ट्रेंड भाई, ट्रेंड है दीवार पे बैठने का। एनएसपी की दीवार है, एनएसपी की दीवार बना दी है इसको तो देख रहे हो ना, दो मिनट में दिखाओ भाई। यस भाई करवाओ तो उससे भाई ये चीज बिन हाथ तोड़े तो बात है। ये क्या है ये तुम्हें लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है, ये लो दूसरा हाथ लो ये लो क्रिश भाई पे ट्राई करूंगा, देखो क्रिश भाई पे ट्राई, क्रिश भाई की स्थिति हो जाएगी भाई ये टैलेंट कुछ अनोखा ही है देख लो बारे करो अपने आप से ये भाई ये अलग लेवल है। भीख मांगे भीख पहले एलवी शादा कर आप फोटो वाला साहब है भाई, ये वाला सिस्टम बताऊं मैं। हां ये बंदा भीख मांगे बंदा भीख मांग रहा है ऐसा तरीका से ऐसे करके भीख मांग रहा है, इसने उसके सामने यू और कर दिया यू और दिख लिए दिख लिए ये क्या अभरी थी लाइक करो भाई। हम निकल गए मतलब B3 से तो हम आ गए और बाकी सब चले गए घर पर और हमारे साथ एक जना और जुड़ गया शुभम भाई। यश भाई तुम मेरी नहीं आ रहे, वो कितनी रोशनी है बल्ब लेके चलेंगे उखाड़ के भाई, तू भी तो है ना हमारे साथ, आगे चल रहे हैं यार। आगे से क्यों जाना भाई, यहाँ कुत्ते पड़ते हैं पीछे, कुत्ते का सीन नहीं है भाई काट लेते हैं वो सीन है नहीं। यश भाई के घर पर ही आ गए, इनका बैटरी से अंदर करवाना हमें है ना भाई, इनका देखो रूम बन गया अंदर नया है भाई, फार्म हाउस आ गया हूँ। और यश भी तो भाई घर पे चले गए हैं, तो फाइनली आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आई होप कल सभी को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।